गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वॉर्म गियर का न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हमें वॉर्म और वॉर्म गियर दोनों का डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन 20 डिग्री इन्वोल्यूट वॉर्म एंड गियर टू ट्रांसमिट 10 किलोवाट पावर विद वॉर्म रोटेटिंग एट 1400 RPM एंड टू ऑब्टेन ए स्पीड रिडक्शन ऑफ 12:1। द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज 225। तो गिवन है 5 प्रेशर एंगल, पावर वॉर्म की जो स्पीड है, वेलोसिटी रेशियो और एक्स यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये सब चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हम वॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक्स अपॉन ln इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जबकि कोस क्यूब लैम्डा इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी रेशियो के इज इक्वल टू होगा 12 के, यानी कि यहाँ से हम लीड एंगल यानी कि लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है एक्स अपॉन ln इज इक्वल टू 1/2π 1/sin लैम्डा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कोस लैम्डा। से यहाँ से हम नॉर्मल लीड ln कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक्चुअल लीड l इज इक्वल टू होता है ln अपॉन कोस लैम्डा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। डाटा बुक में ये पेज नंबर 175 और 12.99 पे ये फॉर्मूला आपको गिवन है, वहां पे मिल जाएगा। फिर डाटा बुक में एक टेबल है, अकॉर्डिंग टू द टेबल 12.3 पेज 200, उसके अकॉर्डिंग लीड एंगल अगर 23.6 डिग्री के आसपास है तो नंबर ऑफ स्टार्ट्स यानी कि एन की जो वैल्यू होगी वो 4 के इक्वल होगी, और एन की वैल्यू टी डब्ल्यू के इक्वल भी हो जाएगी। तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल पिच ऑफ द थ्रेड्स ऑन द वॉर्म, पी ए इज इक्वल टू एल अपॉन एन, यहाँ पे एक्चुअल पिच निकाल लेंगे। उसके बाद मॉड्यूल हम कैलकुलेट कर लेंगे पी ए अपॉन पाई, तो मॉड्यूल 7.8 mm आएगा, जिसको हम 8 mm कह देंगे। अगर हम मॉड्यूल को 8 mm रखते हैं तो एक्चुअल पिच जो आएगा उसका फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू पाई एम आ जाएगा। यहाँ से हम नई एक्चुअल पिच निकाल लेंगे जब मॉड्यूल 8 mm है, और एक्चुअल लोड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुल कर लेंगे, यानी कि जो लीड है हमारे पास, सॉरी एक्चुअल लीड जो है वो होता है एल इज इक्वल टू पी ए इंटू एन, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल लीड जो है वो हो जाएगा एल एन इज इक्वल टू एल कोस लैम्डा 92। ये सब तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपकी डाटा बुक में भी गिवन है। वी नो दैट द सेंटर डिस्टेंस, इसके बाद हम सेंटर डिस्टेंस इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। लीड एंगल 10 लैम्डा भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे डाटा बुक में भी ये फॉर्मूला गिवन है, पेज नंबर 175 है। इसके हेल्प से हम वॉर्म का डाया भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिंस वेलोसिटी रेशियो इज 12 एंड द वॉर्म हैज़ क्वाड्रपल थ्रेड्स, देयर फोर नंबर ऑफ टीथ ऑन द वॉर्म, वॉर्म पे नंबर ऑफ टीथ यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फेस लेंथ ऑफ द वॉर्म, वॉर्म की फेस लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल नंबर 12.25 और 198 पेज पे ये आपका टेबल कैलकुलेट मिलेगी। यहाँ से एल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये लेंथ कितनी इंक्रीज हो सकती है, 25 से 30 mm इंक्रीज हो सकती है फॉर द फीड मार्क्स प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ से एल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्थ ऑफ टूथ के लिए एच इज इक्वल टू, एच का फॉर्मूला ये होता है, ये भी टेबल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अडेंडम का फॉर्मूला ये होता है, ये भी टेबल नंबर 12.25 में दिया हुआ है, और आउटसाइड डायमीटर ऑफ वॉर्म ये भी फॉर्मूला 12.25 टेबल नंबर पे दिया हुआ है पेज नंबर 198 पे। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे डिजाइन ऑफ वॉर्म। इसके बाद लास्ट हमारा आता है डिजाइन ऑफ वॉर्म गियर। ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको पेज नंबर 199 टेबल नंबर 12.26 पे मिलेंगे डाटा बुक में। और पिच सर्किल डायमीटर DG कैलकुलेट कर लेंगे, आउटसाइड डायमीटर DOG कैलकुलेट करेंगे, थ्रोट डायमीटर DT कैलकुलेट करेंगे, और फेस विड्थ B कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल हो जाता है खत्म, और इसके बाद वॉर्म गियर भी हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और दो यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बियरिंग, जो कि थर्ड यूनिट है।